नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफों में बहुत ज़्यादा बिजी भी होंगे और आप लोग का अच्छा काम भी चल रहा होगा और अच्छे से स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे, ज़बरदस्त भी होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको क्या टॉपिक वीडियो होने वाला और किस टॉपिक पर मैं बनाने वाला हूँ, तो जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था मैं वो वीडियो भी डाल रखा हूँ, जो एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट होने के बाद में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आया है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में गाइस बने रहें, वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोग को मालूम आएगा, वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो आप लोग को नहीं मालूम आएगा। और लोकेशन की बात कर लें तो बिल्कुल मैं समुंदर के पास ही आया हूँ। तो गाइस, मेरे को कोई अच्छा जगह भी नहीं मिलता है, तो जहाँ पे भी जाता हूँ हवा चलता है, गाड़ियों का साउंड रहता है, तो गाड़ी में हवा बहुत आता है, तो समझ में भी नहीं आता है कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता हूँ, तो आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं। देखें, बिल्कुल समुंदर के पास, ये बहरीन ऐसा कंट्री है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और किस साइड भी चले जाओ तो साउंड बहुत आता है, साउंड आता है, हवा बहुत चलता है, गाड़ी का चिल पो 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 आवाज़ बहुत आता है। तो गाइस, तो ऐसा कुछ लोकेशन है, लुक आप लोग को दिख रहा होगा समुंदर, तो वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाली है। किधर भी चलते हैं कहीं पर थोड़ा सा अच्छा लोकेशन पर, तो आप चलेंगे तो आप लोग से बात करेंगे और बताएँगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ा मेरा एक्सीडेंट के बाद में। तो गाइस, काफ़ी दूर मैं चल के आ गया, अभी कहीं पे बैठने का व्यवस्था नहीं मिला है, फिर भी आप लोकेशन देख सकते हैं कि अभी मैं बिल्कुल समुंदर के ही पास हूँ और समुंदर अंदर अंदर से बना हुआ है, पानी आने जाने का है और वो कुछ ऐसा लुक आप लोग को दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा होगा और अच्छा हुए तो दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और भाई को सपोर्ट करें। और यहाँ पर देखें कुछ बन रहा है, वो भी आप लोग को दिखाऊँगा कि मतलब ये नीचे नीचे पूरे जगह समुंदर ही मिलेगा, समुंदर का पानी नीचे नीचे इस साइड से उस साइड से पूरा क्रॉस करके रखे हैं ताकि कभी बाढ़ आए कुछ है तो ऊपर में हलोर ना मारे। देखो, ये भी समुंदर का पानी का नाली बना दिए हैं, तो इधर से पानी उधर जाएगा और उधर से अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो इधर आएगा, ये भी आप लोग को मैं क्लियर दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, देखें ये अभी बन रहा है और उधर में पाइप भी लग रहा है और यहाँ पे पाइपें रखी हैं कितनी मोटी मोटी, वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो बहुत मोटी मोटी गाइस पाइप है, पाइप आप लोग को दिखाता हूँ, ये है गाइस, देखो पाइप, ये पाइप है, कितनी मजबूत पाइप है, देखिए ये है पाइप, बहुत स्ट्रॉन्ग पाइप है, पत्थर की पाइप लगता है, प्लास्टिक है गाइस। तो गाइस, कहीं पे छांव तो नहीं मिल रहा है और यहाँ पे देखें आदमी लोग अपना बैठने के लिए जो काम करता है इधर बैठने के लिए बना रखा है ऐसा छांव से, तो यहाँ पे बैठते हैं और आप लोग से पूरी बात शेयर करते हैं। तो बात शेयर करना बहुत अच्छी बात है, शेयर करेंगे तो आप लोग को मालूम आएगा। गाइस, तो मेरे गाइस ये पैर में जो है ना ये चोट लग गया है, गिरा हूँ तो ये चोट लग गया है, तो इस पर मैं पूरा बैठ नहीं पाता हूँ, तो पैर को ऐसे फैला के ही बैठता हूँ, थोड़ा सा ये देखें पैर ऐसे फैला के बैठता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ अभी, पैर में दर्द है, मूव लगा रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, क्या करूँ गाइस। और गाइस, एक आप लोग से भी शिकायत है, मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और देखते हैं, कोई कोई भाई देखता है तो कमेंट नहीं आता है, व्यूज नहीं आता है, फिर भी मैं देखो आप लोग के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ, बेहतर बनाने के लिए भी कोशिश करता हूँ और लोकेशन पे भी जल्दी से अलग अलग जाता हूँ, फिर भी गाइस आप लोग को शायद नहीं आता है मेरा वीडियो पसंद। तो क्या कुछ कमियाँ हैं मेरे वीडियो में वो भी आप लोग बताएं, कमेंट कर दिया करें तो उसको मैं कुछ सुधार करूँ। तो गाइस, आज मैं क्या टॉपिक है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा बैठ जाता हूँ, पैर में दर्द हो रहा है। तो गाइस, पैर फैला के मैं बैठ गया हूँ, ये मेरा कुछ पैर है देखें जिसमें चोट लगा है, ऐसे बैठा हूँ। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ आपको क्या कुछ हुआ था मेरा एक्सीडेंट के बाद। तो एक्सीडेंट हो गया था, तो देखो मालिक लोग ऐसे होते हैं, मालिक लोग ऐसे होते हैं कि आदमी के बारे में नहीं पूछते हैं कि आदमी को चोट लगा नहीं लगा। तो मेरा मालिक ऐसा है, मालिक पूछा बाइक ठीक है, मैंने बोला बाइक ठीक है, लॉक थोड़ा सा लॉक वॉक टूट गया है, तो मेरे को एक बार भी नहीं पूछा कि मतलब तू ठीक है नहीं है। तो बाद में मैं गया काम, मतलब कि ठीक कैसे भी गया, मुश्किल से थोड़ा सा कैसे भी बाइक लेके गया चलाते हुए। तो बाद में मैं बोला हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा तो मालिक बोलता है कि
अरबी में बोलता है इंतबी हॉस्पिटल। तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक नहीं दिख रहा है, मेरे को दर्द है बहुत, तो जाना तो पड़ेगा। तो बोला ओके। तो गाइस मैं हॉस्पिटल में गया, इंतबी मतलब वो गाइस कि तुमको जाना है, ज़रूरी है जाना, इंतबी। मैंने बोला हाँ ज़रूरी है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है तो जाऊँगा। तो गाइस अरबी में बोला, मैं आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो उसके लिए यार सॉरी गाइस, और बताना तो ज़रूरी है, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो क्या करें गाइस। तो फिर गया हॉस्पिटल में, गया डॉक्टर ने चेक किया, मशीन से भी चेकअप किया, हड्डी वड्डी पूरा चेक किया, एक्सरे किया। तो डॉक्टर बोला कि नहीं चोट लगा है पर टूटा फूटा कुछ नहीं है। तो दवा लिया, वहाँ से दवा लेने के बाद उसने हमको रेस्ट का पेपर दे दिया। तो यहाँ पे सिकलिप बोलते हैं, सिकलिप पेपर रेस्ट का देगा। तो गाइस सिकलिप पेपर दे दिया कि मतलब आप 2 दिन आराम करो। तो 2 दिन आराम क्या, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन ड्यूटी पूरा कर ही लिया था, उसके कल भर का और आराम था। तो पेपर में 2 दिन लिखा था, तो उस दिन का हम हिसाब नहीं किया, उस दिन भी फिर 1 दिन आराम किया, बाद में आया कैसे भी लंगड़ाते लंगड़ाते ऑर्डर दिया। अभी क्या करें फ्रेंड, आप भी बताएं कि लंगड़ाते लंगड़ाते ऑर्डर दिया। और जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अगर फाइनली मैं अच्छा फील करता, ऑर्डर दे सकता था तो मैं ऑर्डर देता, मैं नहीं जाने वाला था दवाई लेने के लिए। पर ये बॉडी है, आप ही लोग फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि अगर मेरा बॉडी इम्पोर्टेंट है या मेरे को ड्यूटी इम्पोर्टेंट है। अगर बॉडी सही रहेगा तो ड्यूटी लाइफ लॉन्ग करेंगे, और बॉडी नहीं इम्पोर्टेंट रहेगा तो लाइफ लॉन्ग ड्यूटी नहीं कर सकते फ्रेंड। तो आप ही लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना कि किस भाई को कैसा वीडियो लगा है, और मैं सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ। कमेंट करेंगे तो उससे जानकारी मेरे को हो पाएगी। तो फाइनली गाइस वहाँ से दवा लेके आया, तो उसके कल भर में ड्यूटी किया कैसे भी लंगड़ाते लंगड़ाते। तो मेरा मालिक बोलता है कि तुम मस्करा, मस्करा मतलब होता है कि ड्रामा करता है। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ड्रामा रामा नहीं करते हैं। तो फिर बाद में बोलता है कि तुम बाइक इधर में रख के जाओ, बाइक लेके जाएगा तो तू घूमेगा, इधर उधर घूमेगा। तो हमने बोला नहीं हमको घूमना नहीं है, हम ठीक नहीं, हम जाएगा। अगर तुमको घूमने का डर है तो हम इधर में खड़ी करके जाएगा, हमको गाड़ी का पैसा दियो हम जाएगा। तो बोलता है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम पैसा नहीं देगा, तुम कैसे जाएगा, तुम जाओ। तो हमने बोला कल हमको फिर ठीक है, जब परसों आएगा ड्यूटी में तो बाइक रिपेयर करवा देना, हम आएगा ड्यूटी करेगा ओके, अभी हम कैसे भी जाएगा, अभी क्या करेगा, मालिक लोग से कितना बात करेगा, ज़्यादा बात नहीं कर सकता ना। अगर काश हम अपना कंट्री में होता तो इतना कोई कुछ बोल जाता और हम सुनता रहता, नहीं ना गाइस। तो इतना सब कुछ सुनना पड़ा, सुनने कहने का मतलब है कि भाई कहीं भी रहो कोई ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं है नौकरों की। नौकर की चाहे हाथ पैर टूट जाए कुछ टूट जाए, जितने दिन तुम काम कर रहे हो उतने दिन अच्छे हो, जिस दिन काम छोड़ के चले जाओगे तो जो मालिक लोग होते हैं तुमको देखेंगे तो बुलाएंगे ना। तो हम यही कहेंगे भाई मज़दूरों से कि मजदूर मजदूर में एकता होना चाहिए, क्योंकि हमको अगर कल को 5 प्रॉब्लम है तो कल तुमको भी हो सकता है, और भगवान ना करे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा जैसा मेरे साथ हो गया। और एक और घटना हुई है, वो भी मैं आप लोग को दूसरे से वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं अपना ही आज का ये प्रॉब्लम पूरा बता रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा गाइस हो जाता है बाहर कंट्री में, लाइफ अच्छा भी है बुरा भी है। जो अच्छा कमा रहा अच्छे पोस्ट में है उसका लाइफ अच्छा है, और जो सबसे नीचे है पोस्ट उसका लाइफ कुछ लाइफ नहीं, बहुत ज़िंदगी बेकार ज़िंदगी है। तो क्या करें, फिर भी करना पड़ेगा। गरीबी का वो हालत था कि पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाए, माँ बाप इतना गरीब थे। कोई वीडियो में भी आप लोग से शेयर करेंगे कि मेरे ज़िंदगी का गरीबी कितना था, तो आप लोग को शायद मालूम आए। आप लोग को लगता होगा कि मैं बाहर कंट्री में बहुत कमाता हूँ और गरीब नहीं होऊंगा, तो उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा, और कितना एजुकेटेड हो भी मैं आप लोग को कोई वीडियो में ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं गरीब हूँ गरीब से अमीर भी हो जाऊंगा, और आप लोग का सपोर्ट नहीं रहा तो नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आप लोग का एक पब्लिक जिसको चाहे सर पे बैठा सकती है, जिसको चाहे ज़मीन पे गिरा सकती है। और YouTube से भी रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऑडियंस तक शेयर करें, ताकि मेरे को भी सपोर्ट और प्यार मिले।
तो YouTube से भी रिक्वेस्ट है और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है, सब कुछ ही आप लोग हैं, माँ बाप, पब्लिक और YouTube मेरे लिए तो भगवान है। तो इन भगवानों से रिक्वेस्ट है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, प्यार दें। इसी उम्मीद से मैं बहुत वीडियो बहुत घाम घाम में निकल के बनाता हूँ। अभी देखो चोट लगा हुआ है, फिर भी मैं आप लोग के वीडियो बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, और सच्चाई होती है मेरी वीडियो में, कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो होता है सच होता है। तो ओके गाइस, वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो जो भी भाई मेरे चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो घंटी दिखती है छोटी वाली घंटी, उसको दबाना ना भूलें। उसको दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा तो भाई का वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाएगा, और आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे तो आप लोग को मालूम हो जाएगा। तो ओके गाइस, तो आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्यारा प्यारा सा कमेंट, और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना कि मेरा गलती है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि मैंने रेस्ट किया वो गलत है या मालिक ने ऐसा ऐसा बोला वो गलत है, कमेंट ज़रूर करना। तो ओके गाइस, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।